सरा हाशमी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज यूके। जद्दा से हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज CNS मुआवन सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा के इंटरनेशनल इस्लामिक पोर्ट पहुंच गया। जद्दा बंदरगाह पहुंचने पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान नेवल और एयर अताशी ग्रुप और रॉयल सऊदी नेवी हकाम ने इस्तकबाल किया। सऊदी नेवल कमोडर अहमद अल असीरी ने पाकिस्तानी साफ पाक बहरिया के जहाज PNS मुआवन का दौरा किया और बहरिया जहाज के मिशन कमांडर कमोडर सुलेमान इलियास से मुलाकात की। पाकिस्तानी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की जानिब से सऊदी अवाम और खसूसन सऊदी बहरिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। तकरीब से PNS कमांडर अब्दुल्ला सिद्दीकी ने खिताब के दौरान पाक सऊदी बाहमी तआवुन के उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि खत्ते में अमन और बहरी सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया के खदमात की तारीफ करते हुए कहा कि बहरिया के जहाज़ों की आलमी समंदरों में तैनाती दोस्त ममालिक के साथ बहरी और सफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देगी। 6 सितंबर से मुतालिक उनका कहना था कि यौम शहदा का दिन हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। तकरीब में कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद समेत कौंसलेट के अफसरान और कम्युनिटी अरकान ने भी शिरकत की और तकरीब के अख्ताम पर सब ने मिलकर केक काटा। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 24/7 न्यूज़ UK।